सब विचारों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, आप एक संप्रदाय विशेष की मानसिकता क्यों रखते हैं? मोदी शुरू से जुमले फेंकता है, झूठ बोलता है। आप देखेंगे एक एक करके स्टेटों में हार रहा है मोदी, स्टेटों के अंदर बहुमत नहीं आता इसका, चाहे हरियाणा है, चाहे महाराष्ट्र है, कहीं भी आप देखेंगे ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कहाँ आया है? जो EVM है ना, ये तो उसकी उपज है, ये इसके बहम है मोदी के कि एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं तो किसान हटते चले जाएंगे। लेकिन ये इसके ये दिमाग काम नहीं कर रहा अभी इसका। ये बड़े बड़े राजा इसे धरती से चले गए हैं, तो इसलिए जो जिस व्यक्ति को अहंकार होता है, रावण ने भी ये कहा था कि पूरी दुनिया पर राज करूंगा, परंतु आपने देखा है तो अनेक उदाहरण है जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आया है और जिस राजा ने प्रजा को दुखी किया तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। जब पूरे हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं और जितना जितना ये इसके बहम है मोदी के कि एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं तो किसान हटते चले जाएंगे। लेकिन ये इसके ये दिमाग काम नहीं कर रहा अभी इसका। यदि दिमाग काम करता होता, जिस मजबूती के साथ किसान आए हैं पूरा बंदोबस्त के साथ में, वो चाहे 6 महीने लग जाए, तो उसको ये दिमाग काम नहीं कर रहा इस बात का। यदि उसका दिमाग काम करता होता तो किसान जब आए थे तभी फैसला कर देता इस बात का। इसलिए ये काने काले कानून तो वापस होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि मैं 2-10 दिन लग जाए इसमें, इतनी बात हो सकती है, बाकी तो वापस लेने पड़ेंगे। ये मोदी शुरू से जुमले फेंकता है, झूठ बोलता है, और ये कहा कि हम 15-15 लाख रुपए दे देंगे, एक चवन्नी आई नहीं तो इसका मतलब झूठा है, हम ये बना देंगे, ये कर दे, कुछ नहीं करना इन्होंने, ना संस्कृति का नाम लेकर आए। भारत के हिंदुस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी जो कांग्रेस ने बनाई थी, और ये कहें हम रद्द मतलब आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे शिक्षा नीति में, एक अक्षर भी नहीं बदला है। तो इसलिए ये तो जुमलों की राजनीति करते हैं, ये यज्ञ करें आप जो है इसको प्रैक्टिकल लागू करें, जब पता लगेगा, जब शुद्ध करेंगे जो ईंट पत्थरों को जोड़ने से क्या है, ईंट पत्थरों को जोड़ने से विकास नहीं होता, बल्कि पैसा और इन्वेस्ट होता है। भाई आप जो है कोई विकसित सोच की मानसिकता को ले आएँ, आप एक सोच की, आप जब सब विचारों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, आप एक संप्रदाय विशेष की मानसिकता क्यों रखते हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हिंदुस्तान में तो सब विचारों के लोग हैं, राम मंदिर से आम आदमी को क्या फ़ायदा है? आप जो है एक विचारधारा को ज़्यादा थोपना क्यों चाहते हैं आप जो? इसलिए ये तो विकसित सोच नहीं है, ये तो एकांगी सोच है और संकुचित सोच है। इस सोच से पूरी हिंदुस्तान का राज चलने वाला नहीं है। जो EVM है ना, ये तो उसकी उपज है। आप देखेंगे एक एक करके स्टेटों में हार रहा है मोदी, स्टेटों के अंदर बहुमत नहीं आता इसका, चाहे हरियाणा है, चाहे महाराष्ट्र है, कहीं भी आप देखेंगे ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कहाँ आया, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, जबरदस्ती सत्ता को छीनते हैं ये, तो ये तो कुछ नहीं। हाँ, पार्लियामेंट में EVM का कमाल कर देते हैं ये। DOU ने प्रचोदयात के जो हमारे प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, और उन्होंने कहा सबका साथ और विकास दूंगा करूँगा, तो ना तो किसान का विकास करने के लिए कानून बनाए गए हैं, और अब यदि साथ देना तो किसान का साथ देना चाहिए हठ धर्मिता को छोड़ करके, और जो काले कानून वापिस ले उसके लिए आज हमने ये हवन किया गया। वो सरकार, ये जो सरकारी मंडियां हैं, अब ये मंडियां तो जब ये जैसे आप जो है जियो का सिम देखेंगे, पहले जो है ये अंबानी ने फरी दिया, मुकेश अंबानी का जो है ये है, इसने फरी दिया, लोगों ने हज़ारों ने लाखों करोड़ों की संख्या में ले लिया फरी में, और उसके बाद में क्या हुआ, वो दूसरों के सिम जो ख़त्म हो गए, फिर आज जो है पूरे देश के अंदर एक नंबर पर जो है जियो सिम आ गया, और अब उसने रेट बढ़ा दिया, अब उसके ठीक यही किसानों के साथ होना है, अब 1-2 साल रेट बढ़ा देंगे, ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी जो सरकारी मंडियाँ हैं, ये जो अपने जो है जो दुकानदार की चीज़ नहीं बिके दुकानदार उनका भाग जाएगा, अब ये सरकार ये जो मंडियाँ अंबानी की इनकी हैं, ये पहले 2 साल तक दाम देंगे ज़्यादा, लालच में लोग उधर चले जाएंगे, 2 साल के बाद में फिर ये कहेंगे 2500-3000 के गेहूँ का जो भाव है, वो कहेंगे हम तो 500-1000 रुपये मिलेंगे, अब आप कहाँ जाएंगे, वो मंडियाँ जाएंगे तो वहाँ तो उजाड़ मिलेगा, और ये लेंगे 1500 में 2000 के 3000 के जिन्स का, तो आप क्या करेंगे, आपको बेचना पड़ेगा, ये गोडाउन के लिए बना रखें। जो पंजाब के किसानों ने जो पहल की है और पूरा देश किसानों के साथ है, तो हमने आज किसान दिवस है, और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। और दूसरा कारण यज्ञ का है, गायत्री मंत्र से आहुति डाली गई है, ये बड़े बड़े राजा इसे धरती से चले गए हैं,
सिकंदर भी ये कह रहा था कि ऐसा पूरी दुनिया में राज करूंगा, परंतु आपने देखा कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो इसलिए जो जिस व्यक्ति को अहंकार होता है, रावण ने भी ये कहा था कि पूरी दुनिया पर राज करूंगा, परंतु आपने देखा है। तो अनेक उदाहरण है जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आया है और जिस राजा ने प्रजा को दुखी किया है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि जो राजा प्रजा को कष्ट पहुंचाएगा, प्रजा को दुखी करेगा, वो राजा स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो अड़े हुए हैं, और अड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे, परंतु ये किसान मजदूर और ये धर्म के लोग इनके साथ हैं, और हम लोग यहीं अड़े रहेंगे और काले कानून वापस लेने पड़ेंगे।